हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं कंप्लीट करने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 2, और आपका पूरा यूनिट 2 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। इसका दो पार्ट नहीं होगा, इसी ही पार्ट में आपका पूरा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला आपका यस आर एस, दूसरा आपका है डेटा फ्लो डायग्राम एंड फ्लो चार्ट, और तीसरा आपका है डिसीजन टेबल और यहाँ पे डिसीजन ट्री, चौथा आपका है यस क्यू ए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका पांचवा है आई एस ओ 9000 सर्टिफिकेशन, और यही में आपका है यस ई आई सी एम एम मॉडल, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका छठवां क्वेश्चन है कि आपको यहाँ डिस्कस करना है वेरिफिकेशन और यहाँ पे वैलिडेशन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसआरएस डॉक्यूमेंट, यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब इसके नाम से देखिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और डॉक्यूमेंट बना करके इसके जो रिक्वायरमेंट फेज होती है वहाँ हम लोग मेंशन करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी या फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी एक टारगेट सिस्टम के लिए, यानी कि एक टारगेट सिस्टम के लिए व्हाट आर दी वेरियस फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड व्हाट आर दी वेरियस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ताकि यहाँ पे जब आपका पूरा सिस्टम बन जाए, जब आपका पूरा सिस्टम बन जाता है तो हम लोग मैच करते हैं कि जो हमने सोचा था, जो हमने लिखा था, इसको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया था, क्या वही सिस्टम यहाँ बना है कि नहीं बना है, यानी सारी चीज़ें हम लोग एक डॉक्यूमेंट बना करके यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक, तो जो है होता है यह सारे डॉक्यूमेंट, इसके यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं, पहला हमारा होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और दूसरा हमारा होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो इसको यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और दूसरा हमारा होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अगला लाइन लिखेंगे आप लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक बनाएंगे डॉक्यूमेंट, वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखेंगे कि यहाँ जो यूजर है उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है, इसकी यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें, जैसे कि आपको हो गया IEEE स्टैंडर्ड या फिर CMM मॉडल, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना करके यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और यहाँ देखिए, बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन डेवलपर एंड दी यूजर। अब आगे देखिए, इसका कंपोनेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट और यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये अपने सेमेस्टर एग्जाम में सारी चीज़ लिखेंगे। जब भी पूछा जाएगा यस आर या डॉक्यूमेंट के बारे में, तो आप पूरा लिखेंगे कि इसको यहाँ पे दो कंपोनेंट में इसका यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, पहला हमारा हो गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट और दूसरा हमारा हो गया नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ देखिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपका सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ये हमारा होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और दूसरा हमारा होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी कि इसमें बात करते हैं हम लोग टारगेट सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी जो आपका सॉफ्टवेयर बन गया है उसका सिक्योरिटी कैसे हम चेक करते हैं। सिक्योरिटी मतलब क्या होगा कि जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो आपने वेबसाइट बनाया है, उसकी सिक्योरिटी को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा हमारा होता है स्टोरेज, इसका मतलब क्या होता है कि बैकएंड पे डेटा को कैसे हम लोग स्टोर कर रहे हैं, वो हमारा होता है स्टोरेज। और तीसरा हमारा होता है कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप किस प्रकार के डेटाबेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, कितना ऐप कास्ट लग रहा है, इंटरऑपरेबिलिटी और यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी। सो दीज आर दी डिटरमाइन ऑफ द टारगेट सॉफ्टवेयर करेक्टरिस्टिक्स इन दी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैंने क्या बताया आपको, यस आर एस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या क्या यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट यानी कि मुझे क्या सिस्टम बनाना है, मुझे यहाँ पे क्या सिस्टम बनाना है, और जो यहाँ पे टारगेट सिस्टम बनेगी वो सिस्टम यहाँ पे कैसे यहाँ पे काम करेगी, कैसे उसका फीचर क्या होगा, उसका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उस डॉक्यूमेंट बना करके हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग यहाँ प्रॉपर तरीके से डिफाइन करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे, ताकि हमने जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया वही सिस्टम यहाँ पे बने। और सॉफ्टवेयर यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में यहाँ पे चार स्टेप होते हैं, पहला हमारा होता है फिजिबिलिटी स्टडी, यानी जो यहाँ प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को यहाँ पे समझा जाता है सभी फेज में। ठीक, और यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे आपको इकट्ठा करना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ठीक, यानी कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग एलिसिटेशन,
और तीसरा आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट यानी कि एस आर एस आपका है, और चौथा आपका है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन यानी कि एस आर वी और यहाँ पे एस आर एस। सो दीज आर द स्टेप ऑफ दी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ये सारी यहाँ पे यूज होती हैं किसमें, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में। ये चार यहाँ पे स्टेप, फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, तीसरा हमारा हो गया एस आर एस हो गया, और चौथा हमारा हो गया एस आर वी। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए एडवांटेज ऑफ द एस आर एस डॉक्यूमेंट। तो इसमें आप लिखेंगे कि हमें कोई भी सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए, कोई भी टारगेट सिस्टम बनाने के लिए, हम लोग सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उस डॉक्यूमेंट में उस टारगेट सिस्टम की कास्ट कितना लगेगी, कितना समय लगेगा, कितना यहाँ पे एफर्ट लगेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एवेल्युएट करते हैं, लिखते हैं। यानी कि जो यहाँ पे यह सारे डॉक्यूमेंट होता है एक रेफरेंस प्रोवाइड करता है वैलिडेशन के लिए और यहाँ फाइनल प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ पे हाई क्वालिटी यस आर ए डॉक्यूमेंट प्री रिक्वेस्टाइट ए टू हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, कितना यहाँ पे कास्ट लगेगा उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे सिस्टम को तैयार करते हैं। यानी कि इट रिड्यूस द डेवलपमेंट कॉस्ट, रिड्यूस द डेवलपमेंट इफॉल्ट, कितना यहाँ पे कास्ट लगेगा, कितना यहाँ पे समय लगेगा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है ये सारे डॉक्यूमेंट। और यहाँ देखिए ये बेसिक लाइन, एक यहाँ पे बेस लाइन प्रोवाइड करता है वैलिडेशन के लिए और यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएफडी यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम। इसको यहाँ पे बबल चार्ट भी बोला जाता है। डीएफडी एक ग्राफिकल टूल होता है जिसका उपयोग किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए यूजर के बीच में, मैनेजर के बीच में और यहाँ पे अदर पर्सनल के बीच में। इसका उपयोग किया जाता है एनालाइज करने के लिए, यानी कि जो सिस्टम हम लोग बना रहे हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। हमें पहले से ही पता होगा कि यहाँ पे कौन सा पेज होगा, फिर यहाँ पे कौन सा पेज होगा, फिर यहाँ पे कौन सा पेज होगा, यानी कि जो सिस्टम हम लोग बना रहे हैं उसके बारे में हमें पहले से ही पता होगा। अब यहाँ देखिए चौथा आपका स्टेप बता रहा है। यहाँ देखिए जो डीएफडी होता है, डीएफडी होते हैं चार एलिमेंट होते हैं, तो डेटा के मूवमेंट के बारे में फोकस करता है। यानी कि जो यहाँ पे डेटा फ्लो होती है किसके बीच में, एक्सटर्नल एंटिटीज के बीच में और यहाँ प्रोसेस के बीच में, और प्रोसेस और यहाँ पे डेटा स्टोर के बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी कि एक्सटर्नल एंटिटीज और प्रोसेस के बीच में और प्रोसेस और यहाँ पे डेटा स्टोर के बीच में जो यहाँ पे डेटा का मूवमेंट होता है, ये हमारा फोकस किसका होता है, डीएफडी का, यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम का। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, वही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि फोकस करता है ऑन द मूवमेंट ऑफ द डेटा बिटवीन द एक्सटर्नल एंटिटीज एंड प्रोसेस एंड बिटवीन द प्रोसेस एंड द डेटा स्टोर। अब आगे देखिए इसको, मतलब यहाँ पे कैसे एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग आसान तरीके से यहाँ पे सीख सकते हैं और यहाँ पे इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए डीएफडी के चार होते हैं एलिमेंट होते हैं। पहला हमारा होता है सोर्स सिंक, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे यूजर हो गया, तो इसको यहाँ पे रेक्टेंगल से हम लोग यहाँ पे इसको प्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारा हो गया डेटा फ्लो हो गया, इसका सिंबल ये होता है यानी कि डेटा किस डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो कर रही है, मूव कर रही है। और तीसरा हमारा होता है प्रोसेस होता है जिसको यहाँ पे सर्कल से डिनोट करते हैं। और चौथा हमारा होता है डेटा स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है या फिर डेटा बेस होता है, यानी कि डेटा बेस में रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ये मतलब यहाँ पे जो आपका डेटा स्टोर होता है इसमें जो डेटा होता है डेटा को हम लोग यहाँ पे रीड राइट भी कर सकते हैं, वही हमारा हो गया डेटा स्टोर हो गया। अब इसको देखिए पहले एक एक करके। अब यहाँ देखिए पहला हमारा क्या, एक्सटर्नल एंटिटीज, इसको यहाँ पे रेक्टेंगुलर से इसको डिनोट करते हैं, या तो डेटा को रिसीव करता है या तो सप्लाई करता है, इसीलिए एक्सटर्नल एंटिटीज को बोला जाता है सोर्स एंड सिंक। इसमें जो है डेटा का प्रोसेस नहीं होता है। कहने मतलब क्या है, सोर्स मतलब क्या हुआ कि जो सिस्टम से डेटा को सप्लाई करे वो हमारा सोर्स होता है, जो सिस्टम से डेटा को रिसीव करे वो हमारा सिंक होता है। तो एक्सटर्नल एंटिटीज को बोला जाता है सोर्स एंड सिंक, सोर्स एंड सिंक, इसको यहाँ पे रेक्टेंगुलर से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए दूसरा आपका डेटा फ्लो, इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मूवमेंट हो रही है, वो हमारा होता है डेटा फ्लो होता है। अब जो डेटा फ्लो होता है ये प्रोसेस से, एक्सटर्नल एंटिटीज से, डेटा स्टोर से, इन सभी से कनेक्ट होता है। अब डेटा फ्लो हमारा डायरेक्शनल भी हो सकता है, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है। कहना मतलब क्या हुआ कि डेटा हमारा इस प्रकार से भी यहाँ पे फ्लो हो सकता है या फिर इस प्रकार से फ्लो हो सकता है एक पाइपलाइन के द्वारा। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल को, डेटा फ्लो को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए डीएफडी का थर्ड एलिमेंट प्रोसेस, तो प्रोसेस को सर्कल से डिनोट करते हैं। और जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इनकमिंग हो रही है, जो यहाँ पे इनकमिंग एरो है वो हमारा क्या है, इनपुट डेटा फ्लो है। और जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आउटगोइंग एरो है वो क्या है, आउटपुट डेटा फ्लो है। आप सिस्टम पे क्या काम कर रहे हो वो बताता है क्या, प्रोसेस। अब यहाँ देखिए लेवल्स आर असाइन टू दी डेटा फ्लो। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए फोर्थ एलिमेंट हमारा क्या, डेटा स्टोर है। यानी यहाँ पे डेटा को रीड भी, यहाँ पे डेटा को राइट भी किया जा सकता है। तो जो यहाँ पे लाइन इस प्रकार से इनकमिंग हो रही है, यानी कि डेटा स्टोर में आप डेटा को यहाँ पे राइट कर सकते हो। जो यहाँ पे
आउटगोइंग हो रही है, जो यहाँ पे एरो जा रही है, यानी कि आप डेटा स्टोर से डेटा को यहाँ पे रीड कर सकते हो। ये आपका डेटा स्टोर है, तो यहाँ पे लाइन आ रही है, इसके मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे डेटा स्टोर में डेटा को राइट कर सकते हो, यानी कि अपडेट कर सकते हो। और जो यहाँ पे एरो इस प्रकार से जा रही है, यहाँ देखिए जा रही है, यानी यहाँ पे जो डेटा स्टोर है, इस डेटा स्टोर में डेटा को आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। सो दिस इज द डेटा स्टोर। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए डेटा के मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे कौन कौन से रूल होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ये सारी चीज़ें अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना आप अच्छा कंटेंट लिखेंगे उतना ही आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। तो यहाँ देखिए डेटा फ्लो के लिए रूल्स क्या है। पहला आप लिखेंगे कि डेटा किस प्रकार से यहाँ फ्लो करता है, तो एक्सटर्नल एंटिटीज से प्रोसेस की तरफ, यानी जो आपका एक्सटर्नल एंटिटीज है यहाँ से डेटा फ्लो कर सकता है प्रोसेस की तरफ, और यहाँ से प्रोसेस डेटा यहाँ पे एक्सटर्नल एंटिटीज की तरफ आ भी सकता है। दूसरा हमारा है प्रोसेस टू एक्सटर्नल एंटिटीज, और तीसरा हमारा प्रोसेस टू स्टोर एंड द बैक, यानी कि जो यहाँ डेटा है इस प्रकार से डेटाबेस, यहाँ से डेटा जा भी सकता है प्रोसेस की तरफ और यहाँ पे आ भी सकता है, कहाँ से, डेटा स्टोर की तरफ से। दूसरा हमारा है डेटा कैन नॉट फ्लो, यहाँ देखिए डेटा यहाँ पे फ्लो नहीं हो सकती है, वो कौन सा यहाँ नियम है, तो आप लिखेंगे एक्सटर्नल एंटिटीज टू एक्सटर्नल एंटिटीज टू एक्सटर्नल एंटिटीज। एक बात आप नोट करिए कि बिना प्रोसेस के डेटा यहाँ पे फ्लो नहीं कर सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही हमारा लिखा गया है कि एक्सटर्नल एंटिटीज टू स्टोर, स्टोर टू एक्सटर्नल एंटिटीज, स्टोर टू स्टोर, यानी यहाँ से डेटा फ्लो या फिर मूवमेंट नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में प्रोसेस नहीं है, बिना प्रोसेस के डेटा एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट या फिर फ्लो नहीं कर सकती है। सो दिस इज द रूल ऑफ द डेटा फ्लो। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए लेवल ऑफ डीएफडी, तो डीएफडी को बनाने के लिए तीन लेवल होते हैं। पहला जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे लेवल जीरो, लेवल वन और यहाँ पे लेवल टू। तो डीएफडी को बनाने के लिए तीन लेवल होते हैं। अब ये हमारा क्या है एग्जाम्पल, किसका, लेवल जीरो का। ये आपके पिछले एग्जाम में आया हुआ है कि आप लेवल वन डीएफडी बनाइए, 10 नंबर का पूछा था पूरा डीएफडी क्या होता है, और यहाँ पे डीएफडी मतलब यहाँ पे लेवल वन से डीएफडी को बनाना था। तो ये हमारा है लेवल जीरो। यूजर यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो जो यहाँ पे एडमिन होता है उसके पूरा डेटा एप्लीकेशन चेक करता है, यहाँ पर रिस्पॉन्स देता है, फिर यहाँ पे यूजर को एडमिशन मिल जाता है। तो लेवल जीरो में हम लोग यहाँ पे ऊपर ऊपर की बात करते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा विस्तार कर दिया वो हमारा हो गया लेवल वन हो गया, फिर लेवल वन को थोड़ा विस्तार किया वो हमारा लेवल टू हो गया। अब देखिए, अब यहाँ देखिए ये आपका लेवल वन, इसमें देखिए वही चीज़ है, स्टूडेंट है, फिर यहाँ लास्ट में एडमिन है, यानी कि आप लेवल जीरो थोड़ा सा आप यहाँ पे विस्तार कर दीजिए। यानी पहले स्टेज में हमारा क्या था, यहाँ यूजर था या फिर स्टूडेंट था, यहाँ देखिए लास्ट में एडमिन आ गया। अभी आपका है लेवल वन, इसको थोड़ा देख लीजिए, स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन किसके पास, परफॉर्म इनटेक प्रोसीजर, ये आपका पहला स्टेज है। देखिए अभी आप पहले स्टेज को थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे मतलब विस्तार कर दीजिए, वो हमारा हो जाएगा लेवल टू हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है लेवल वन है, देखिए यहाँ पे यूजर था जीरो में, फिर यहाँ पे एडमिन था, इसको थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार मैंने किया, ये हमारा हो गया लेवल वन। अब यहाँ देखिए लेवल वन को थोड़ा सा आपने यहाँ विस्तार किया वो हमारा हो गया लेवल टू। इसको अपने कापी में लिख लीजिए पूरा बढ़िया से, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है कि आप लेवल टू को बनाइए डीएफडी, यानी कि डीएफडी में लेवल टू बनाइए, ये आपके पिछले सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन। इसको बढ़िया तरीके, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका जो पिक है डालूंगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिसीजन टेबल एंड डिसीजन ट्री। तो डिसीजन टेबल क्या होता है, कंडीशन का एक्शन का एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि एक टेबल में इसको कंडीशन को और यहाँ पे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है इस फॉर्म में, यहाँ पे कंडीशन हो गया और यहाँ पे एक्शन हो गया, तो इसी को रिप्रेजेंट करता है एक टेबल बना करके, इसी को बोला जाता है डिसीजन टेबल। तो डिसीजन टेबल का प्रयोग किया जाता है जब यहाँ पे लॉजिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तब यहाँ पे डिसीजन टेबल का प्रयोग किया जाता है। डिसीजन टेबल में यहाँ होते हैं तीन पार्ट, कंडीशन, एक्शन, रूल। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे कंडीशन होता है, तो कंडीशन क्या होता है कि जो यहाँ पे डिसीजन होती है, जो यहाँ पे रूल होता है, उस सभी रूल का यहाँ पे लिस्ट होता है कंडीशन में इस प्रकार से। ये आपका हो गया कंडीशन, और ये हमारा हो गया एक्शन, और यहाँ पे हमारा रूल हो गया। तो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन लिस्ट ऑल द कंडीशन रिलेवेंट टू द डिसीजन, यानी कि डिसीजन के रिलेवेंट पे ये सभी लिस्ट को तैयार करता है। अब यहाँ देखिए जो आपका एक्शन होता है, एक्शन क्या करता है, एक्शन जो है जनरेट करता है टेस्ट केस, यहाँ पे टेस्ट केस को जनरेट करता है किसके बेस पे, तो रूल के बेस पे, यहाँ पे रूल होता है, इस रूल के बेस पे यहाँ पे टेस्ट केस को जनरेट करता है, और इसी टेस्ट केस के हिसाब से, इसी टेस्ट केस के बेस पे इस सॉफ्टवेयर को चेक करता है, जो आपका सिस्टम होता है उस सिस्टम को चेक करता है कि सही काम कर रहा है या फिर नहीं। इसका एग्जाम्पल देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए डिसीजन टेबल का एग्जाम्पल किसके लिए, ईमेल के लिए और यहाँ पासवर्ड के लिए। अब यहाँ देखिए आप बनाएंगे डिसीजन टेबल, यहाँ लिखेंगे कंडीशन और यहाँ लिखेंगे एक्शन। अब कंडीशन में आपको क्या है, ईमेल है और यहाँ पासवर्ड है। अब या तो आपका ईमेल ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, तो इसका टेबल कैसे बनाएंगे, यानी कि जो आपका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, यहाँ देखिए
जो आपका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है वहां लिखेंगे कि 2 के पावर जो आपका नंबर ऑफ कंडीशन कितना आपका है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, तो आप लिखेंगे 2 के पावर 2, यानी आपके यहाँ पे चार टेबल बनेगा, चार बॉक्स बनेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, तो आप यहाँ लिखेंगे फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, फिर यहाँ आपका पासवर्ड क्या होगा, फॉल्स मान लिया आपने लिखा, तो जैसे आपका यहाँ पे फॉल्स है यानी आपका ईमेल्स भी यहाँ पे फॉल्स है और पासवर्ड भी यहाँ पे आपका गलत है, तो जो आपका रिजल्ट होगा क्या होगा, यहाँ पे एरर हो जाएगा, ये बताएगा प्लीज इंटर दी ईमेल एंड पासवर्ड। इसी प्रकार से यहाँ आप लिखेगा कि यहाँ प्लीज इंटर दी पासवर्ड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रू हो गया आपका ईमेल, लेकिन यहाँ पासवर्ड आपका फॉल्स हो गया, यानी यहाँ भी आपका एरर बताएगा, यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ जो आपका ईमेल है यहाँ फॉल्स हो गया, पासवर्ड आपका ट्रू हो गया, तो यहाँ बताएगा एरर बताएगा, यहाँ बोलेगा प्लीज इंटर दी ईमेल, लेकिन जैसे आपका यहाँ पे ईमेल और यहाँ पासवर्ड दोनों यहाँ पे ट्रू हो गया, तुरंत आपका एक्शन क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया डिसीजन टेबल का एग्जाम्पल। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए डिसीजन टेबल और यहाँ पे डिसीजन ट्री में क्या यहाँ पे डिफरेंस है, तो आप लिखेंगे डिसीजन टेबल में कि डिसीजन टेबल में हम लोग डिसीजन ट्री को कॉल नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन ट्री में डिसीजन टेबल को हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। डिसीजन टेबल में एक से ज़्यादा कंडीशन नहीं हो सकता है, लेकिन डिसीजन ट्री में एक से ज़्यादा यहाँ पे कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे कंडीशन हो सकता है। डिसीजन टेबल में एक से ज़्यादा कंडीशन नहीं हो सकता है, लेकिन डिसीजन ट्री में एक से ज़्यादा कंडीशन यहाँ पे शामिल हो सकता है। डिसीजन टेबल का प्रयोग किया जाता है, यहाँ देखिए तो यहाँ पे डिसीजन टेबल होता है, इसका प्रयोग किया जाता है जब आपका लॉजिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, तब यहाँ प्रयोग किया जाता है डिसीजन टेबल का। और डिसीजन ट्री का प्रयोग किया जाता है जब आपका लॉजिक बहुत ही सिंपल हो, सिंपल लॉजिक के लिए, यहाँ देखिए लिखा भी गया है सिंपल लॉजिक का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, डिसीजन ट्री के लिए, लेकिन जब आपका यहाँ पे लॉजिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो तब यहाँ प्रयोग किया जाता है किसका, डिसीजन टेबल का। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SQA यानी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नाम से देखिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप इसके द्वारा तैयार कर सकते हैं जिसका क्वालिटी बहुत ही बेहतर हो, यानी कि एक ऐसा स्टैंडर्ड है, एक ऐसा यहाँ पे स्टैंडर्ड है जिसका आप फॉलो करके आप सॉफ्टवेयर को यहाँ पे एश्योर कर सकते हो, सुनिश्चित कर सकते हो। और यहाँ देखिए इसके प्रोसीजर को फॉलो करके आप सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बढ़िया बना सकते हो, मतलब यहाँ पे अच्छे तरीके से क्वालिटी को बना सकते हो अगर आप इसके प्रोसीजर को फॉलो करोगे तब। अब जो यहाँ पे SQA है इसको यहाँ पे दो कैटेगरी में, दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। पहला आपका है SQA मैनेजमेंट या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, और दूसरा आपका यहाँ पे है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस स्टैंडर्ड। तो पहला जो आपका SQA मैनेजमेंट, इसका उपयोग किया जाता है कि यहाँ पे क्या क्या टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये बताता है यहाँ पे SQA मैनेजमेंट, ये बताता है कि यहाँ पे क्या क्या टास्क यहाँ परफॉर्म किए जा रहे हैं, ये बताता है। और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बताता है कि यहाँ पे टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, हाउ टू परफॉर्म टास्क, और इसके लिए यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, यानी कि टास्क को कैसे परफॉर्म किया जाए और उसके लिए यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, तो बताता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस स्टैंडर्ड। तो यहाँ देखिए बारी बारी से, अब यहाँ देखिए पहला आपका है SQA मैनेजमेंट, यानी यहाँ पे टास्क को कैसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या टास्क परफॉर्म करना है, ये बताता है SQA मैनेजमेंट। ये फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में, SQA सिस्टम। और यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पे सुनिश्चित करता है किसको, यहाँ देखिए यहाँ पे इंश्योर करता है कि जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर बन रहा है वो बहुत ही मतलब यहाँ पे सभी यूजर के लिए एक्सेप्टेबल हो और ये यहाँ पे गुड क्वालिटी बने और सभी यूजर के लिए एक्सेप्टेबल हो। अगला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें कि SQA मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें क्या अचीव करना है, क्या यहाँ पे अचीव करना है, इसका ऑब्जेक्टिव है किसका, SQA मैनेजमेंट या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का। इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें यहाँ पे अचीव करना है। इसका एग्जांपल आप लिखेंगे ISO 9003 CMM, तो इसका एग्जांपल होगी यानी कि ISO 9003 CMM। आगे आप लिखेंगे अगला यहाँ पे इसका कैटेगरी है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस स्टैंडर्ड। ये फोकस करता है कि सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए, यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए और यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या क्या मेथडोलॉजी हो सकता है, यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या क्या मेथड हो सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होता है इसको यहाँ पे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे शामिल होता है डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होता है, सॉफ्टवेयर को यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, सॉफ्टवेयर को यहाँ जो रिव्यू होता है, यहाँ पे इसका इश्यू होता है इसको यहाँ पे रिव्यू करने के लिए यहाँ पे क्या क्या स्टेप होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल होती हैं किसमें, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस स्टैंडर्ड में। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस स्टैंडर्ड में इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि जैसे कि आपका हो गया
ISO IEC या फिर 12207। फिर इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे IEEE स्टैंडर्ड, चाहे आपका 101 हो, 12 हो गया या फिर 1998 हो गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। और यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाउ टू परफॉर्म, कि हमें कैसे परफॉर्म करना है और उसके लिए यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं वो सारी चीज़ें बता दो। मतलब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव होता है किसका, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस स्टैंडर्ड का। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए SQA टेक्निक्स, यानी कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एंश्योर करने के लिए हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं किसका, SQA टेक्निक्स का। ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो SQA टेक्निक का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, SQA प्रोसेस में। SQA प्रोसेस में SQA टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पांच होते हैं टेक्निक इसके होते हैं। पहला हमारा हो गया रिव्यूइंग। इसका मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे स्टैक होल्डर होते हैं और जो यहाँ पे इंटरनल स्टैक होल्डर होते हैं, ये दोनों आपस में मिल करके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एंश्योर करते हैं। फिर इन लोग जो है कस्टमर से मिलते हैं और फिर उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं। दूसरा हमारा हो गया ऑडिटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि स्टेक होल्डर के द्वारा यहाँ पे चेक किया जाता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज किए गए हैं या फिर नहीं। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज होंगे तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बहुत ही बेहतर होगी। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए इसका तीसरा टेक्निक है फंक्शनल टेस्टिंग, यानी कि होल प्रोडक्ट को, इसके फंक्शन को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। कहने मतलब क्या हुआ कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो जब यहाँ पे पूरा सॉफ्टवेयर बन जाता है तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर यहाँ पे उन सभी टास्क को परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं। यानी कि जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसी टास्क को यहाँ परफॉर्म किया जाता है, उसका फंक्शन चेक किया जाता है कि यहाँ पे उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगला हमारा होता है स्टैंडर्डाइजेशन। इसका देखिए क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग चेक करते हैं कि स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है। करने मतलब क्या हुआ कि जो आपका सॉफ्टवेयर बना गया है उन सभी सॉफ्टवेयर में ये जो पुराने होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि आपका हो गया ISO हो गया CMM हो गया IEEE स्टैंडर्ड हो गया, क्या ये सभी जो स्टैंडर्ड हैं ये सारे स्टैंडर्ड फॉलो किए गए कि नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं और इसी के आधार पर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को भी चेक करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए कोड इंस्पेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे इशू होती है, गलती होती है, उस इशू को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है, फाइंडिंग डिफेक्ट इन द कोड। ठीक, कोड की फॉर्म में, एंड इट इज डन बाय द ट्रेंड मॉडरेटर रेदर देन द डेवलपर। सो दीज आर द टेक्निक्स, SQA टेक्निक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अब आगे देखिए ISO 9000 सर्टिफिकेशन। अब यहाँ देखिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ISO 9000 सर्टिफिकेशन, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो यहाँ पे कंपनी होती है, ये कंपनी यहाँ पे कई प्रोसेस को फॉलो करती है। जब यहाँ पे कंपनी सर्टिफिकेशन के लिए प्रोवाइड करती है, यानी जब यहाँ पे जो कंपनी होती है वो सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करती है, तब उसको यहाँ पे 6 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा और इसी के द्वारा यहाँ पे कंपनी को सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो पहला यहाँ पे स्टेप होता है अप्लीकेशन, यानी कि जब यहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है सर्टिफिकेशन के लिए, तब जो यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऑफिस होता है, इस सर्टिफिकेशन ऑफिस में रजिस्ट्रार होते हैं। तो कंपनी एक अप्लीकेशन सबमिट करती है, किसको, रजिस्ट्रार को एक अप्लीकेशन सबमिट करती है। या तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन हो सकता है या फिर ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो सकता है। तो कंपनी यहाँ पे अप्लीकेशन सबमिट करती है, यानी कि रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे अप्लाई करती है। ठीक, दूसरा आपका होता है प्री असेसमेंट। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार, तो जो यहाँ पे अप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करती है कंपनी, तो इस अप्लीकेशन में कंपनी की सारी डिटेलिंग यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लिखी होती है कि यहाँ पे कंपनी क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर रही है, यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बना रही है, ये सारी डिटेल यहाँ पे इस अप्लीकेशन में लिखा होता है। तो जो आपका होता है प्री असेसमेंट, इसमें क्या होता है कि जो इसमें रजिस्ट्रार होता है एक यहाँ पे रफ असेसमेंट तैयार करता है, बनाएगा कि कंपनी को सर्टिफिकेशन दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, प्री असेसमेंट, जिसमें रजिस्ट्रार क्या बनाता है, एक रफ असेसमेंट बनाता है किसके लिए, कंपनी के लिए, कि यहाँ पे कंपनी को सर्टिफिकेशन दिया जाना चाहिए या फिर नहीं। अब आगे देखिए यहाँ प्री असेसमेंट होता है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है, क्या होता है, सबमिट होता है। तो इसी डॉक्यूमेंट को, जो आपका तीसरा स्टेज होता है, तो इसमें जो रजिस्ट्रार होता है, ये रजिस्ट्रार यहाँ पे डॉक्यूमेंट को रिव्यू करता है, चेक करता है और उसको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पे सजेशन देता है। ठीक, अब आगे देखिए ये आपका तीसरा स्टेज है,
अब यहाँ देखिए चौथा स्टेज आपका है कंपाइलेंस ऑडिट। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे रजिस्ट्रार होता है यहाँ पे चेक करता है कि जो हमने इंप्रूवमेंट का सजेशन दिया, जो हमने मॉडिफिकेशन किया, क्या वो कंपनी यहाँ फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है, वो यहाँ पे चेक करता है। यानी कि कंपनी यहाँ पे चेक करता है ये सारी चीज़ें। जो आपका तीसरा फेज था तो उसमें कंपनी ने अपना इंप्रूवमेंट दिया था, अपना सजेशन दिया था, अपना मॉडिफिकेशन दिया था, तो चौथे फेज में कंपनी यहाँ पे चेक करता है कि यहाँ कंपनी उसको फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर यहाँ देखिए पचवा का स्टेज है कि रजिस्ट्रेशन, अगर यहाँ पे कंपनी को लगता है कि सब चीज़ें यहाँ पे ओके है, तब यहाँ पे रजिस्ट्रार क्या करता है सर्टिफिकेशन यहाँ पे अवार्ड कर देता है उस पर्टिकुलर कंपनी को। फिर यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे रजिस्ट्रार फिर यहाँ पे चेक करते हैं उसको कि यहाँ पे उस मतलब जो कंपनी है वो कंपनी यहाँ पे सजेशन को जो यहाँ पे मॉडिफिकेशन है उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे छठवें स्टेज में उसको टाइम टू टाइम यहाँ पे चेक करती है। सो दीज आर दी, ये आपको पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया ISO 9000 सर्टिफिकेशन। यहाँ पर होते हैं छः स्टेज, ये आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जब हम लोग प्रोडक्ट को बना रहे हैं तब हम लोग उसी समय पूछते हैं कि क्या मैं सही बना रहा हूँ या फिर नहीं बना रहा हूँ। यानी कि जो आपका वेरिफिकेशन हुआ ये बात करता है किसके बारे में, इन प्रोसेस के बारे में बात करता है। लेकिन वैलिडेशन क्या होता है, जब आपका पूरा प्रोडक्ट बन जाता है तब आप चेक करते हो कि सही बना है या फिर नहीं बना है। तो आप इसमें लिखेंगे कि आर यू बिल्डिंग इट राइट, वैलिडेशन क्या होता है हैव यू बिल्ड, यानी आपने सही बनाया है या फिर नहीं बनाया है। वेरिफिकेशन क्या होता है, उसके हर एक फेज में चेक करते हो। आर्टिफैक्ट मतलब क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट को बना रहे हो तब आप उसके हर एक फेज में चेक करते हो कि सही बना है या फिर नहीं बना है। वेरिफिकेशन डन किया जाता है डेवलपर के द्वारा और वैलिडेशन को यहाँ पे डन किया जाता है टेस्टर के द्वारा। वेरिफिकेशन में हर एक स्टेज में आप यहाँ पे एरर को चेक करते हो ताकि जो आपका वैलिडेशन होता है इसका एम क्या हो कि जब यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट बन जाए तब वो एरर फ्री हो, यानी वहाँ पे कोई भी गलती कोई भी एरर ना हो। अब यहाँ देखो आपका प्रोडक्ट बढ़िया बने, यानी कि आप उसको यूनिट टेस्टिंग करते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पार्ट बाई पार्ट यहाँ पे चेक करते हो। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि हर एक पार्ट को मिला करके आप यहाँ पे चेक करते हो कि यहाँ कोई गलती नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें। यानी कि वेरिफिकेशन क्या होता है, रिव्यू, इंस्पेक्शन, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जो आपका वेलिडेशन होता है इसमें इन्वॉल्व होता है सिस्टम टेस्टिंग, यानी कि जब आपका प्रोडक्ट बन रहा है तब आप उसी समय छोटे छोटे पार्ट को यहाँ छोटे छोटे आपका स्टेज होता है उस समय आप यहाँ पे चेक करते हो कि ये सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और वेलिडेशन क्या होता है कि जब आपका पूरा सिस्टम बन जाता है तब आप यहाँ पे टेस्ट करते हो। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जो आपका वेरिफिकेशन होता है वो स्टैटिक होता है और यहाँ पे डायनामिक एक्टिविटीज होता है, यानी कि आप यहाँ पे एग्जीक्यूट या फिर कोड को चला करके नहीं चेक करते हो। लेकिन जब आपका वेलिडेशन होता है तो इसमें हम लोग बात करते हैं ओनली डायनामिक, यानी कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कार को बना रहे हैं तो आप यहाँ पे केवल चेक करते हैं, यानी कि आप क्या है स्टैटिक है और डायनामिक है। जब पूरा आपका कार बन जाता है, जब पूरा आपका यहाँ पे कार हुआ चाहे मोटरसाइकिल है, जब पूरा यहाँ पर बन जाता है तब आप उसको चला के देखते हो, तो यानी कि वो हमारा क्या है वैलिडेशन है। यानी कि वैलिडेशन में हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करके कोड को चला करके चेक करते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन में कोड को या फिर एग्जीक्यूट करके नहीं चेक करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी वेरिफिकेशन एंड दी वैलिडेशन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SEICMM मॉडल, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैपेबिलिटीज मैच्योरिटी मॉडल। यह क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे कई भिन्न भिन्न कैपेबिलिटीज लेवल में क्लासिफाइड है, तो इसी के बेस पे यह जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे फ्रेमवर्क या फिर स्टैंडर्ड को डिफाइन कर सकता है। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है कैपेबिलिटीज लेवल, इसका मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वह ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, किस प्रकार के उसके पास स्टाफ अवेलेबल है, जो यहाँ पे इसके प्रोडक्ट हैं यह क्वालिटी इसमें है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जाती हैं कैपेबिलिटीज लेवल में। अब यहाँ देखिए जो आपका SEICMM है ये क्या होता है, लेवल आर डिफाइंड बेस्ड ऑन दी KPA, यानी कि की प्रोसेस एरिया, यानी कि विच टाइप ऑफ प्रोसेस यूजिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस टाइप के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, किस टाइप की प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है, वही हमारा होता है KPA, यानी कि की प्रोसेस एरिया। तो जो आपका SEI होता है CMM होता है दीज लेवल आर द डिफाइंड बेस्ड ऑन दी KPA। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जो आपका होता है एस ई
ICMM मॉडल। इसमें होते हैं 5 लेवल। पहला आपका होता है इनिशियल, दूसरा आपका लेवल होता है मैनेज्ड, तीसरा आपका होता है डिफाइंड होता है, चौथा आपका होता है मैनेज होता है, और पांचवा आपका होता है ऑप्टिमाइजिंग। ये आपका पहला स्टेज है, यह आपका दूसरा स्टेज है, यह आपका तीसरा स्टेज है, यह आपका चौथा स्टेज है, और ये आपका पांचवा स्टेज है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी करके कि लेवल वन यानी कि आपका इनिशियल क्या होता है, मैनेज क्या होता है, डिफाइन क्या होता है, और यहाँ पे क्वालिटेटिव मैनेज क्या होता है, और यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग क्या होता है। दूसरा आपका यहाँ क्या है, थोड़ा यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, रिपीटेबल। यहाँ थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें देखिए 5 लेवल है, पहला आपका इनिशियल है, दूसरा आपका रिपीटेबल है, तीसरा आपका डिफाइंड है, चौथा आपका मैनेज है, और पांचवा आपका है ऑप्टिमाइजिंग। अब यहाँ देखिए यह आपका पहला लेवल हो गया इनिशियल। तो ये आपका होता है स्टेज नंबर 1। इसमें क्या होता है, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल प्रोसेस का यूज करती है, यानी कि वह एक रैंडम प्रोसेस का प्रयोग करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। सॉफ्टवेयर के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे एक रैंडम प्रोसेस का यूज करती है, यानी कि जो यहाँ प्रोसेस हो रहा है वो डिफाइन नहीं किया गया है। इसमें जो प्रोडक्ट बनती है उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब होती है, और जिसमें एम्प्लॉय होते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ही कम होती है। ठीक, अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोसीजर है वो यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे एक रैंडम प्रोसेस होता है जिसका उपयोग करके प्रोडक्ट को डेवलपमेंट किया जाता है, प्रोडक्ट को स्टार्ट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होती है, एक रैंडम प्रोसेस होती है। अब आगे देखिए लेवल 2। अब यहाँ देखिए लेवल 2, इसको बोला जाता है रिपीटेबल। ये आपका होता है स्टेज दूसरा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो यूज किया जाता है रिपीटेबल प्रोसेस फॉलो, यानी कि जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ पे उपयोग करता है रिपीटेबल, यानी कि जो प्रोसेस पहले से यहाँ पे चली आ रही है उसी प्रोसेस को यहाँ पे दोहराव किया जाता है, रिपीटेबल प्रोसेस फ्लो का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पहले यहाँ पे कास्ट एस्टिमेट करता है, कास्ट को यहाँ पे तय कर लेता है कि टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे कितना यहाँ पे कॉस्ट लग सकता है, ये पहले से यहाँ पे उतना यहाँ पे कर लेता है, यानी कि ये पहले से यहाँ पे कास्ट को एस्टिमेट कर लेता है। किसमें, लेवल 2 वाले ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि आपका क्या होता है, रिपीटेबल होता है। तो इस लेवल के ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, पहले ही कॉस्ट को एस्टिमेट कर लेते हैं कि टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना यहाँ पे कॉस्ट लग सकता है। लेवल 2 वाला जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है बहुत ही बढ़िया होता है, इसको बोला जाता है CMM 2। यह जो है कवर करता है किसको, प्लानिंग को, और यहाँ पे SCM फिजिक्स को। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए स्टेज नंबर 3 यानी कि लेवल 3, इसको बोला जाता है डिफाइंड, इसको बोला जाता है CMM 3 यानी कि ये जो आपका CMM होता है, CMM 2 होता है, इसका एडवांस लेवल होता है। तो लेवल 3 को बोला जाता है CMM 3 बोला जाता है। इसका उपयोग किया जाता है डिफिनाइट फ्लो के लिए। डिफिनाइट फ्लो मतलब क्या होता है कि आप इसमें पहले ही डिसाइड कर लेते हो किसके लिए, डेवलपमेंट प्रोसेस करने के लिए, यहाँ पर इसको अचीव करने के लिए हर एक स्टेज में आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाते हो ताकि आपको जो प्रोडक्ट बने वो यहाँ पर अच्छा बने। यानी कि आप लेवल 3 में इसके हर एक फेज में आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाते हो, यानी यहाँ भी एक डॉक्यूमेंट, यहाँ भी एक डॉक्यूमेंट, यहाँ भी एक डॉक्यूमेंट, यानी कि हर एक स्टेज में डॉक्यूमेंट बनता है। एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन इज दी अवेयर रूल्स एंड दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें क्या होता है, जो आपका लेवल 3 लेवल होता है, मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें सभी लोग अवेयर होते हैं अपने रूल्स को लेकर के, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, ताकि यहाँ पे टाइम पे जो प्रोडक्ट है बन जाए। और यहाँ देखिए एम्प्लॉयज वर्क इन अ टीम। लेवल 3 में क्या होता है, जो यहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं एक टीम बना करके, एक स्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोसेस बना करके यहाँ पे काम को करते हैं। अब आगे देखिए स्टेज नंबर 4, इसको बोला जाता है CMM 4। स्टेज नंबर 4 इसको बोला जाता है मैनेज्ड, या आपका होता है लेवल 4 होता है, इसको बोला जाता है CMM 4 बोला जाता है। इसमें यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिफाइड मैनेजमेंट होता है, और इसमें फोकस किया जाता है क्वालिटी डिलीवर्स को लेकर के। और यहाँ देखिए इसमें बात करता है यूजेज वेरियस मेजर ऑफ द सेल्फ असेसमेंट बोथ फॉर द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस फ्लो, यानी कि प्रोसेस फ्लो को लेकर के और यहाँ पे प्रोडक्ट फ्लो को लेकर के यहाँ पे कई प्रकार के सेल्फ असेसमेंट तैयार किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। तो स्टेज 4 आपका क्या है, मैनेज्ड है, ये आपका लेवल नंबर 4 है, इसको बोला जाता है CMM 4 बोला जाता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए लेवल 5 जिसे बोला जाता है ऑप्टिमाइज, ये आपका स्टेज नंबर 5 होता है, इसको बोला जाता है CMM 5। जितना सारा यहाँ पे स्टेज होता है उन सभी स्टेज में सबसे एडवांस लेवल होता है। लेवल 5 को बोला जाता है अपर लेवल, जो आपका लेवल 1 होता है इसको बोला जाता है लोअर लेवल बोला जाता है।
इसमें जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही हाई होती है। इसमें जो मैनेजमेंट प्रोसेस पैटर्न होता है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया होता है। इट फ्रिक्वेंटली इवेल्युएट्स प्रोसेस, सो दिस इज दी लेवल 5 जिसको बुलाता है ऑप्टिमाइज, या आपका होता है स्टेज नंबर 5। तो आज आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 2 पूरा का पूरा इसी लेक्चर में कंप्लीट हो चुका। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों को पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस।